हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे जहां आप देते हैं पुराने सिक्के और नोट्स के बारे में सच्ची जानकारी। दोस्तों, आज हम आपको अपने वीडियो में 1 रुपीज के एक सिल्वर कॉइन के बारे में बताएंगे उसकी वैल्यू क्या होती है और कौन से कंडीशन में ज्यादा वैल्यू पे सेल होता है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, आपको स्क्रीन पे एक कॉइन दिखाई देगा, ये किंग जॉर्ज 5 का 1911 का कॉइन है। इस कॉइन की अगर हम बात करते हैं तो इस कॉइन की जो मिंटेज होती 1911 में होती। कॉइन का जो मेटल होता है सिल्वर होता है। इसमें दोस्तों सिल्वर अप्रॉक्स 91.2% तक होता है और कॉइन का जो वेट होता है अप्रॉक्स 11.6 ग्राम्स तक होता है। इस कॉइन की अगर हम बात करते हैं डायमीटर की यानी कॉइन के साइज की बात करते हैं, इस कॉइन का जो साइज होता है 30 mm तक होता है। दोस्तों, ये एक रेयर कॉइन है। 1911 वाले की जो वैल्यू होती है और कॉइन्स जो सिल्वर के आते हैं जैसे 1912 का आता है, 13 का आता है, उससे ज़्यादा होती है, क्योंकि 1911 वाला कॉइन थोड़ा रेयर होता है, आसानी से आपको नहीं मिलता है। दोस्तों, ये इसलिए रेयर होता है कि जब ये 1911 में बना था यानी जब इसकी मिंटेज हुई थी, तो आप इस कॉइन को अब अगर फ्रंट साइड में देखेंगे तो आपको किंग जॉर्ज 5 की पोर्ट्रेट मिलेगी और बैक साइड में आएंगे तो आपको कॉइन का जो डिनोमिनेशन होता है और कौन से ईयर में मिंटेज हुई थी इसकी वो मिल जाएगा आपको, यानी 1911 और 1 रुपी लिखा हुआ मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये इसलिए रेयर हो गया था, आप इसके फ्रंट साइड में देखेंगे तो जब जहाँ किंग जॉर्ज की पोर्ट्रेट बनी है उसके नीचे साइड में एक एलिफेंट की भी उसमें पोर्ट्रेट बनी थी। ये बहुत छोटा होता है साइज में वो, लेकिन जब एलिफेंट की पोर्ट्रेट बनाई गई थी उसमें तो एलिफेंट कम वो पिक ज़्यादा लग रहा था, तो बहुत से लोगों ने अपोज किया इस चीज़ को। तो ये कॉइन 1911 में बंद हो गए और उसके से 1912 में नया डिज़ाइन आया जिसमें किंग जॉर्ज की जो पोर्ट्रेट आई थी उसमें एलिफेंट का जो शेप था एकदम क्लियर था कि हाँ वो एलिफेंट है, लेकिन 1911 वाले कॉइन वो एलिफेंट कम पिक ज़्यादा लगता था, तो पिक ज़्यादा लगता था, इस वजह से उस कॉइन को बंद कर दिया गया था, उस कॉइन को मेल्ट कर दिया गया था। इसलिए 1911 के बहुत ही कम कॉइन बचे हुए हैं, इसलिए इनकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होती है। अगर इनकी वैल्यू की बात की जाए तो इनकी वैल्यू अप्रॉक्स 3500 से लेकर 5000 के बीच में होती है कंडीशन के अकॉर्डिंग। जैसे कॉइन की कंडीशन होगी वैसे ही कॉइन की वैल्यू होगी, क्योंकि जो आपको हर वीडियो हम बताते हैं कि जो कॉइन की वैल्यू होती है वो कॉइन की कंडीशन में बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, क्योंकि कॉइन अच्छी कंडीशन का होगा तो अच्छे दामों पर अच्छे वैल्यू मिलेगी उसको, और कॉइन बेकार कंडीशन का होगा तो उसकी वैल्यू थोड़ी कम मिलेगी आपको। लेकिन ये एक रेयर कॉइन है, अगर आपके कलेक्शन में आता है या अगर आपके पास आता है 1911 वाला कॉइन तो आप अपने कलेक्शन में रखिए। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि जैसे जैसे पता चला लोगों को कि ये कॉइन थोड़े रेयर हैं तो इसमें की डुप्लीकेसी बहुत होने लगी, डुप्लीकेट कॉइन्स आने लगे, रेप्लिका बनने लगे, बहुत सारे ऐसे फॉर्जरी होने लगी। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान रखें, खरीदने से पहले किसी एक्सपर्ट से चेक कराएं, क्योंकि बहुत से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा चुका है, क्योंकि ये महंगे दामों में बिकते हैं। और अगर 1912 और 13 की बात की जाए तो उन कॉइन्स की वैल्यू अप्रॉक्स 580 से लेकर 800 के बीच में होती है और इसकी वैल्यू अप्रॉक्स 3500 से 5000 के बीच में होती है, तो इसलिए इनके डुप्लीकेट बहुत सारे आने लगे। ये चीज़ का ध्यान रखें, किसी से भी कॉइन ऐसे ना खरीदें क्योंकि कोई भी आपको बेवकूफ़ बना सकता है, किसी कॉइन एक्सपर्ट को दिखा के ये कॉइन खरीदें आप। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे वीडियो पहली बार देखें तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, नीचे कमेंट करके बताएं कि आपके पास ऐसे कॉइन्स हैं या नहीं, और सब्सक्राइब कर दें हमारे इस चैनल को, दबा दें बेल बटन जिससे कि हमारे वीडियोज आने वाली है सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।